वापस मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए पैचअप कर लिया था ना। मेरा दिल रखने के लिए कर रहा था भाई, मेरे को ऐसा दिल रखना पसंद नहीं है किसी का, ठीक है। अच्छी बात है, तुमने बना लिया अपना और दूसरे के साथ ही खुश रहो। मैं एक्स हूँ तुम्हारा और वो लाइफ लाइन है। है तुम थे, जाओ निकलो यहाँ से। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज मैं शापेस के ऊपर फिर से रिवेंज प्रैंक करने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने ना मुझे 3 दिन से लगातार बहुत परेशान किया हुआ है, कभी कुछ प्रैंक करके और कुछ प्रैंक करके, और फिर इतना लड़ते हैं ना मेरे से बाद में कि बस पूछो ही मत। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं उनके ऊपर कुछ रिवेंज प्रैंक करती हूँ, तो इस बार मैं उनको वो फील कराऊंगी जो वो मुझसे बोल के करवाते हैं। तो जब तक वो आते हैं उनका वेट करते हैं, मिलते हैं आपको वीडियो में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, शापेस आ चुके हैं, बहुत लेट कर दिए उन्होंने आने में। प्लीज़ कैमरा थोड़ा छुपा के रखना, मैं बताना नहीं चाहती इनको मैं आज इनके ऊपर क्या करने वाली हूँ। फिर तो जब तुम होते तब कुछ नहीं है। नहीं है, कैसे बैठी हो? धूप में ज्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है जब तो धूप में बैठी हूँ। ओहो, गर्मी लग रही है जब तुम धूप में। उधर और कहीं चेयर नहीं है, सब फुल है। अच्छा, क्या कर रही हो तुम अकेले बैठ के? लड़कों को ताड़ रही हो यहाँ से, है? अच्छा लग रहा ना सारे? ओह माय गॉड, तुम्हें कब से अच्छे लगने लगे मेरे अलावा कोई और? बस आज ही लगने क्या लगे। क्या खाओगी ये बताओ पहले, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज वाली। मैं तो खा के आई हूँ, तुम देख लो। क्यों बुलाया सडनली? अरे अब बताओ ना, मैं सच में खा के आई हूँ। क्यों बुलाया? ये नहीं खाना? नहीं, दोनों खा लेंगे। मैं व्हाइट सॉस पास्ता बाद में करवा लेना, पहले बैठ जाओ। एक मिनट रुक जाओ, मैं करवा के आ रहा हूँ। बैठी रहो ना तुम इतना। बस ज्यादा गुस्सा ना करे, मुझे उस चीज का डर लग रहा है। इनका गुस्सा बस मैं ही जानती है कैसे करते हैं। कितनी देर लगी ऑर्डर दे रहे हैं? आधा घंटा, 30 सेकंड, 40 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं। आता कैसे? 20 सेकंड। क्या कह रहे हो? कैसे बुलाया तुमने? कैसे बोल करते ना करो, समझे? छेड़ना बंद करो मुझे। आहो, किसे छेड़ूंगा फिर मैं? किसी और लड़की को छेड़ू जाके? जाओ जाओ, क्या होता है? जाओ जाओ भाई, मन कर रहा होगा छेड़ने का, जाओ छेड़ लो। हाँ यार, कितनी अच्छी लग रही है ना वो, ये सामने बैठी हुई देख रही है। देख लो तुम भी, तुम क्यों कमी छोड़ रहे हो? जाओ हाय हेलो बोल दो, आई लव यू बोल दो। हाँ यार, मुझे कौन पसंद करेगा इतने बुरे को तुम्हारे अलावा? तुमने कर लिया बस, तुम्हारी बैड लक, तुमने इतने बुरे लड़के को पसंद करा और अच्छा। बैड लक? हाँ सही कह रहे हो, सच में बैड लक है। मतलब लेकिन मेरे को तुमने चूज करा, ये तुम्हारा बेड लगा है। हाँ सही है भाई, सही है, बहुत अच्छी बात कर रही है। इसलिए मैंने अपने लिए कोई गुड लक चूज कर लिया है जो कि तुमसे भी बहुत अच्छा है, जो ना मेरे से रोज लड़ता है ना फालतू की बातें सुनाता है। मजाक करने के लिए मैं ही मिला था तुम्हें? मजाक नहीं करी, मैं सच में कह रही हूँ। मैंने अभी अभी बुलाया है उसे, देख लो, दिखाऊं? ये दिख रहा है नंबर? किसका नंबर सेव करा तुमने लाइफलाइन नाम से? कॉल करना क्यों कर? आएगा ना अभी मिलने के लिए, बुलाया मिलने। ये लाइफलाइन नाम से कौन है? मिलने के लिए बुलाया ना, मिल लेना, गुड लक है मेरा। और तुम्हारा पता है किस नाम से सेव किया है? देखो, मेरा नंबर शाफेज एक्स है, मैं एक्स हूँ तुम्हारा और वो लाइफलाइन है। है तुम थे, जाओ निकलो यहाँ से। क्या ड्रामा है? आगे होके बैठो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं एक्स हूँ तुम्हारा, शाफिज एक्स लिख रखा तुमने अपने फोन में मेरा नाम। चिल्ला क्यों रहे हो? धीरे बोलो, चिल्लाने के लिए बुलाया मैंने तुम्हें? यार क्या ड्रामा है ये? ड्रामे क्या है इसमें, जो बात है वही तो बताया मैंने। चला जाऊँ? अच्छा लगूंगा तुम्हें? अरे उसे मिल के चले जाना। मैं क्यों मिलूं? कौन है वो तुम्हारा लाइफलाइन? दिखाना, कॉल करना उसे। ऐसी कर लूं क्या? कौन है वो लाइफलाइन तुम्हारा? कब हुआ, कब क्या हुआ, और मैं एक्स कब बना? मेरे को भी तो बता दो कब हुई है सारी चीज। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है सारी चीजों का। जब तो आज बता रही हो, कुछ नहीं पता था क्योंकि आज मुझे थोड़ा ठीक लगा इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, तो फिर और बाद में पता चलता तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वाह भाई वाह, तुम्हारा कोई और लाइफलाइन भी बन रहा है, मैं तुम्हारा एक्स भी बन गया। भाई देखो, साफ सीधी बात है, मेरे से रोज रोज की लड़ाई नहीं झेली जाती ना फालतू की बातें सुनी जाती।
हमारा मतलब 4 दिन पहले ही पैचअप हुआ है, अब तुम ये कर रही हो? पैचअप हुआ है, मैंने वही आराम से मतलब उस टाइम पीरियड में कोई मिल गया था ना जब 8 दिन मुझसे बात नहीं करी थी, ऐसा कुछ है? सारी बात है जब बताती ना, जब उसके साथ सब कुछ हो जाता, शादी का टाइम हो जाता, तो वो तो बस मैं तुम्हारे दिल रखने के लिए पैचअप कर लिया था ना। मेरा दिल रखने के लिए कर रहा था भाई, मेरा मेरे को ऐसा दिल रखना पसंद नहीं है किसी का, ठीक है? जो दिल झूठी तसल्ली दे कोई मुझे। तुम इतने सैड भी थे इसलिए मैंने तुमसे कर लिया था पैचअप। माय गॉड, ओ माय गॉड, नहीं सच बता रही हूँ। और जब मैं सैड रोज रोज और जब मैं 8 दिन तक सैड था, मैं 8 दिन तक तुम्हें मना रहा था, वो तुम्हारी गलती है। तुम मेरे से लड़े ही क्यों थे रोज रोज की लड़ाई, फालतू की बातें। तो मतलब 8 दिन के अंदर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, 8 दिन मैं तुमसे बात नहीं हुई सही करके, तो तुमने कोई और बना लिया दिया, मतलब ऐसा कुछ हो गया? भाई बनाया नहीं, बनाया है, क्यों बनाया है उसका भी एक रीजन है भाई, ना तो वो मेरे से लड़ता है ना फालतू की बातें करता है। तो मतलब आराम मैं से प्यार रहता करता हूँ तो मैं तुम्हें किसी चीज़ पे कुछ कहूँगा नहीं, मतलब तुम्हारा ये है मतलब कि वो बनाया तो वही रहेगा? सही बात है ना, वो मेरे से रोज रोज नहीं लड़ता, प्यार से बातें करता है, पहली बार मरने की तो बात करते ही नहीं है, उसे खुद नफरत है ये सब बातें करने से। मैं मरने की बातें करता हूँ या बिल्कुल कुछ प्रैंक कर दिया तुम्हारे ऊपर, हर 14 दिन बोल देते हो, तो तुम मेरा प्यार भूल गई? 2 साल का, 2.5 साल का है सारा प्यार मेरा, मेरे से नहीं चला जाएगा मेरा 2.5 साल कुछ प्यार ही नहीं दिखा तुम्हें? नहीं, अभी मैंने उससे बुलाया है, वो भी बता देगा तुम्हें, कर लेना उससे बात, वो भी बता देगा कौन सही था कौन गलत है। तो मतलब उसे तुमने किसी तीसरे पर्सन को सारी बातें बता दी हमारी? बिल्कुल बता दी। कल का है बंदे को तुमने सारी बातें बता दी हमारे? बिल्कुल बता दी भाई, बताऊंगी नहीं क्या कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा ऐसे तो भाई सही है भाई, तो सही है, बताऊंगी नहीं क्या कि क्या क्या बात हुई है, क्यों मेरे को इतना परेशान करते हो तुम? मैं ही तो परेशान करता हूँ, प्यार तो कभी दिखाई नहीं होगा, किसके भले के लिए परेशान करता हूँ, किसका चाहता हूँ क्या करता हूँ, है ना? कुछ दिखाई नहीं आज तक, नहीं कोई और बना के बैठ गई है भाई। बिल्कुल बैठूंगी। सही है भाई, जाओ। सही है भाई, जाओ। ना करो, तुम भी मेरी एक्स की तरह निकले, कुछ ऐसे कर रहा था तुम भी वही करो। उसकी बात तो हो ही नहीं दिया, उसको क्यों बीच में ला रहे हो? उसको बीच में लाने के लिए नहीं कहा मैंने, वो तुम्हारी एक्स थी वो गई, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे भी। चलिए गई, जब दूसरा बना लिया और कितना नहीं जाओगी, और कितना हद तक गिरोगी? हद तक गिरूंगी, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे। तो मैं भी तो कुछ बता रही हूँ, सुन लो ना, वो एक्स थी वो चली गई, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। करो तुम अपनी लाइफ लाइन से बात करो, मैं तो शाफेज एक्स हूँ, तुम्हारा एक्स हूँ, मैं तो एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ा, तुम्हें नहीं पड़ता ना, वो तो दिख रहा है किसको पड़ता है किसको नहीं। अच्छी बात है भाई, करो। मैंने तुम्हें इतनी बात कह दी, तुम्हें इतना बुरा लग गया, जो तुम मेरे से इतना लड़ते हो, ऐसी ऐसी बातें बोल लेते हो, पता लगा? सुनो, मुझे मैंने अपने आंखों के सामने देखा है ना, नंबर सुनो, आराम से सुनो, बताऊंगी उसकी भी बताऊंगी। तुम मेरे से इतनी बातें करते हो, लड़ते हो, तुम्हें पता लगा मेरे को कैसा लगता है? कैसा क्या लगता है जो अब तुम्हें फील हो रहा है ना, जो कुछ गलती करोगी, गलती भी ना बताऊं तुम्हें मैं तुम्हारी? सुनोगे? मुझे साथ रहना है भाई तुम्हारे, मैं गलती बताऊंगा जब भी, तो तुम सही होगी या तुम गलतियां करती रहोगी, मैं इग्नोर करता रहूं, दिल में दबा दूंगा। वो बात भी ठीक है, पर ये नहीं कि रोज रोज की लड़ाई, आराम से बैठ के भी बात हो सकती है। क्या बात करनी है, जब तुमने 8 दिन के अंदर कोई और बना लिया अपना लाइफ लाइन, उसके नंबर पर उसको भी साइड में रखो, वो गया वो 8 दिन वाला, तुमसे बात कर रही हूँ अभी मैं, नहीं करनी ना, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा रिलेशन। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, छोड़ो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे को नहीं रखना। अच्छी बात है तुमने बना लिया अपना, और दूसरे के साथ ही खुश रहो। याद है हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? मेरे को कुछ कहाँ मिले तो बताओ ना यार, सामने बैठे थे, फिर मैंने तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ा था ना, और अभी भी ऐसे ही पकड़ा हुआ है, और हमेशा ऐसे ही रहेगा। इधर सुन रहे हो, कोई लाइफ लाइन नहीं है। कौन है वो नंबर? वो तुम्हारा दूसरा नंबर है ना, उसको सेव कर रखा है मैंने, बेशक देख लो। मैं बस ये तुम्हें दिखाने के लिए ऐसी, अभी जस्ट बन गया वो, हाथ छोड़ो, अभी किया था मैंने ऐसी, अभी क्यों किया था? तो ये ड्रामा करने के लिए बुलाया था आज, ये तो व्हाइट सॉस पास्ता नहीं लगा, मेरे को भूख लग रही है, तुमने और दिमाग बन गया होगा, भूख उड़ा दी मेरी।
मैंने कोई भूख नहीं उड़ाई, मैं ऐसे तुमसे मिलने आती हूँ, इतने अच्छे मन से तुम आती, मेरे को ऐसे दिमाग खराब कर दिया तो तुम्हें पता लगा। प्रैंक के लिए करता हूँ ना, और तो तुम्हारी भलाई। मैंने भी तो प्रैंक के लिए किया। दूसरा मिल गया तुम्हारा? नहीं, मुझे कोई दूसरा नहीं मिला। तुमने यकीन कैसे कर लिया कि मेरे को कोई दूसरा मिल गया? इतना लाइफ लाइन देखा मैंने, नंबर ही नहीं देखा मैंने, ऊपर लाइफ लाइन और हार्ट का इमोजी देखा। वो तुम्हारी गलती है। देखा, तुम गुस्से में कुछ नहीं करते हो भाई, आराम से बैठ के बातचीत करो, सब चीज समझो। गुस्से में ही हर चीज अभी साथ में ही हूं तुम्हारे मोटी। चलो एंड करो इसे, फिर बताता हूं। एंड करो। सॉरी, इट्स ओके। बस मेरे को तुम्हें फील करवाना था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। फील मुझे बहुत अच्छा हुआ है, मैं तुम्हें करवाऊंगा। करो। सो गाइज, अगर आपका वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब तो तुम्हें पता लग ही गया। हाँ हाँ, ये सब मत बोलो, बताऊँगा बताऊँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बोलो, बाय।